सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। शो 2019 में एक बार फिर नई कारें पेश हो रही है और अब खबर है कि इवेंट में कोरियन कार निर्माता सैयोंग ने अपनी चौथी जनरेशन कोरंडे को पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह एक मिड साइज एसयूवी है जिसे SIV2 कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है और इस SIV2 कॉन्सेप्ट को कंपनी द्वारा 2016 गिनीवा मोटर शो में पेश किया गया था। महिंद्रा की दूसरी जनरेशन SUV 500 इस नई कोरंडा पर ही आधारित होगी जब वो इंडिया में लॉन्च होगी। संयोग कंपनी ने नई कोरंडा को पहले से ज़्यादा शार्प डिज़ाइन दिया है और कंपनी ने इसके आकार में भी कोई बदलाव नहीं किए हैं। साथ ही ये पहले से ज़्यादा बड़ी बताई जा रही है, लेकिन इसकी ऊंचाई पुराने मॉडल के समान ही होगी। वही कहा जा रहा है कि कार का कद काठी के मामले में मौजूदा SUV 500 से छोटा ही होगा। खबर है कि इस नई कोरंडा कार में दो नए इंजन विकल्प आपको मिलेंगे, साथ ही इसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.6 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। दोनों इंजनों में 6 स्पीड मैनुअल और या 6 स्पीड गियरबॉक्स से लैस होंगे। फिलहाल कार की कीमत के मामले में हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अन्य फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बियंस लाइटिंग और ऑटो LED हेडलैम्प्स आदि जैसे फीचर्स हैं। वाहन सुरक्षा के लिए कार में एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, 7 एयरबैग्स, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये संयोग कार कैसी लगी और आपको ये कार पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।